बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि आप भाइयों को पता है सऊदी अरेबिया में कर्फ्यू के मुतल्लक बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं, यानी कि रात को ही मैंने आपके साथ एक न्यूज शेयर की थी। कर्फ्यू अब आपके हाथ में है। तमाम तर अफराद को आगाह किया गया था कि आप जितनी ज्यादा एहतियात करेंगे उतना ही कर्फ्यू लगने के चांस कम होंगे। ये सऊदी मरूर की तरफ से भाई कन्फर्मली दो टोक ऐलान कर दिया गया था। आज की न्यूज शेयर करने से पहले यहां पर आपको स्क्रीन पर एक मैं बड़ी पोस्ट दिखा रहा हूं। ये भी एक शेयर की गई है जी वजारत सेहत की तरफ से। आप देख रहे हैं मसाकिन मुखालफा नीचे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। इसके मुताबिक आपको डिटेल से बता देता हूं भाई मैं, यानी कि सऊदी अरेबिया में जो खासकर जिन शहरों में इस वायरस के केस ज्यादा आ रहे हैं, उन शहरों में खासकर उन रहाइशों पर जो खारजी भाइयों की जो गैर मुल्की रहाइश है, जहां पर गैर मुल्की यानी कि आप बोल रहे छड़े मुकीम है जी, उन रहाइशों की खासकर चेकिंग शुरू कर दी गई है। चेकिंग के मुताबिक मैं न्यूज पढ़ रहा था तो मैंने आज दिन टाइम ही अपनी आंखों से एक वाकया भी देख लिया है। वो आपको पता है मरूर वगैरह की हम लाइव वीडियो नहीं बना सकते हैं, वरना आप भाइयों के साथ वो लाइव वीडियो भी वो शेयर कर देता। अच्छा, तीन गाड़ियां थी सऊदी मरूर की और साथ में एक वजारत सेहत वालों की गाड़ी थी, तो मैं खुद हैरान था कि ये इधर क्या इस गली में क्या घूम रहे हैं। तो जब मैंने गौर किया है तो एक रहाइश के अंदर वो घूम रहे थे, चेक कर रहे थे कि रहाइश की सफाई सुथराई और उसके अलावा कमरों में कितने आदमी हैं, कमरों की सफाई के लिहाज से क्या कुछ किया जा रखा है। यहां पर आपको मैं एक बात और भाई कंफर्म करता चलूं, अगर किसी रहाइश की सफाई सुथराई नहीं होगी या किसी रूम में आदमी ज्यादा है या रूम की सफाई नहीं होगी तो आपको पर पर्सन के हिसाब से 1000 रियाल का फाइन किया जाएगा। तो सऊदी अरेबिया में तमाम तर जो खारजी भाई मुकीम हैं वो कम से कम अपने रूम की सफाई जरूर रखिएगा और उसके अलावा अपनी रहाइश की सफाई भी रखिएगा, खासकर मास्क को लेकर। अक्सर होता है सीढ़ियों में या रहाइश के बाहर मास्क एक उधर पड़ा है एक उधर पड़ा है, तो ऐसे बिखरे होते हैं। इन चीजों पर खास नजर रखिएगा क्योंकि जिस बिल्डिंग में इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां इस बिल्डिंग का हार्स भी हमें भाई आगाह करके गया है कि कमामा यानी कि मास्क के मुतल्लिक कोई भी बंदा सीढ़ियों पर या रहाइश के नीचे उसे मत फेंके बल्कि डस्टबिन में फेंके। इसके मुतल्लिक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जैसे ही कोई और आएंगी वो भी आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।